तो हम लोग निकल गए अपनी मंजिल की ओर, अपनी टेस्ला की ओर। कोई आवाज ही नहीं है, मतलब गाड़ी निकल जाए पता भी ना लगे आप। And the moment I touched the brake, there is no switch, nothing. जगह कैसी लगी? मजा आया? So meet पूर्णिमा श्रेष्ठा, हाय, हाउ आर यू? ये देखो भाई अपने को क्या दिखा। आगे कोई भी स्विच नहीं है, सिर्फ एक स्क्रीन है और एक स्टीयरिंग है। पहले सोच लो अच्छे से, सीधा जिसके सामने, इसको ना सारी अच्छी लग रही है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुबह के 10:28 और आज की जो हमारी सुबह है ना, बहुत जल्दी हो गई थी। क्यों? इन मैडम की वजह से। इनका है कोई एग्जाम, किस चीज का एग्जाम है? शोशो, पता नहीं शोशो क्या, सोशियोलॉजी। तो ये देखो, एक शीट ये पड़ी हुई, एक शीट ये पड़ी हुई, आंसर लिख के यहाँ पर रखे हुए हैं, फिर इनको स्कैन करेंगे, फिर ऑनलाइन अपलोड करेंगे। ये इनका आई थिंक क्वेश्चन पेपर है, हटना दिखाना जरा। कितने बजे खत्म होगा ये? 3 घंटे। ओके, अभी तो टाइम है। खांसी आ रही है। एक्चुअली हुआ क्या था, सुबह 8:30 बेल बजी बुझने का, चाय वाय होगी, मैंने जाके दरवाजा खोला, ये मैडम खड़ी हुई थी। मैं बोला स्टेन ने चाय ऑर्डर करी होगी, मैं तो गहरी ही नींद में था। मेरा एग्जाम है, मुझे पेपर देना, मैं यहीं बैठ के दूंगी। बाय चांस मुझे कुछ समझ नहीं आया, तुमसे पूछ लीजिए। बाय चांस अपलोड नहीं हुआ, हाँ वही बाय चांस अगर पेपर अपलोड नहीं हुआ तो मैं आपसे पूछ लूंगी, क्योंकि इसमें ना कभी कभी अपलोड में दिक्कत आती है। तो भाई सुबह से हमारी नींद डिस्टर्ब हो चुकी है, अभी एग्जाम कर रही है, स्टेन गया हुआ है बाहर कुछ काम से, उसका कोई फ्रेंड आया हुआ था, और मैं जा रहा हूँ अभी टेस्ला देखने के लिए। देखो इंडिया में ना बहुत कम टेस्ला है, और यहाँ पर ना आम है नेपाल में, तो हम जा रहे हैं टेस्ला देखने के लिए, ड्राइव करने के लिए। आपको भी दिखाएंगे, मतलब एक अलग लेवल की चीज हो जाएगी ना, जो चीज अभी इंडिया में बहुत रेयर दिखने को मिलती है, और यहाँ पर आम रोड पे घूमती है। तो हमारा कोई नोन है, उनके पास टेस्ला है, तो जा रहे हैं देखने के लिए। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, सबसे गल नमस्ते बड़ो पहले बुरा छोटो को हेलो, तो होप करते हैं आप सब हमारे इतना बढ़िया होंगे, बढ़िया रहना। बाहर हमारे ड्राइवर जी आ चुके हैं, जाते हैं, बैठते हैं, टेस्ला देखते हैं, फिर वापसी आते हैं, बैग पैक करते हैं, 5 बजे की हमारी फ्लाइट है दिल्ली की। गुड मॉर्निंग भैया, कैसे हो? ठीक हो? अरे 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 तो ऐसे कितना अच्छा लगता है ना, कैमरा ऑन करके किसी को गुड मॉर्निंग बोल रहे हो, आगे से आपको बोल रहे हैं कि मैं आपका डाई हार्ट फैन हूँ, आपकी सारी वीडियो देखता हूँ। मतलब ऐसा लगता है आज का तो दिन बढ़िया हो गया। और ये सच बात है कि भाई नेपाल से ना अपने को इतने बंदे प्यार करते हैं ना, सारी वीडियो देखते हो? हाँ सर जी, आपका सारी वीडियो देखता हूँ। अरे भाई अच्छा लगता है ऐसे नेपाल में आके इतना प्यार मिलता है ना। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। सब एकदम बढ़िया? बढ़िया बढ़िया। मैंने ना ये ऑटोमेटेड कार वॉश पहली बार देखा है, मतलब ये अभी ऑपरेशन में बेसिकली इट्स द नंबर वन चल रहा है अभी, देयर आर फ्यू मोर, आई वुड नॉट से हमारा ही नंबर वन है। ओके, कोई था पर वो बंद हो चुका है। इसमें किसी चीज की जरूरत नहीं, फालतू की मेहनत नहीं, गाड़ी अंदर डालो, धुल के वापसी बाहर आ जाएगी। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा 5-5.5 मिनट लगते हैं, आपकी पूरी गाड़ी साफ हो जाती है। यहीं पर छोटा सा कैफे बना हुआ, कैफे मैंने आपको कल भी दिखाया था, वहां पर आप एक कॉफी पीजिए, आपकी गाड़ी साफ होके आपके हाथ में चाबी। तो हम लोग निकल गए अपनी मंजिल की ओर, अपनी टेस्ला की ओर। तो ये जो व्हाइट गेट देख रहे हो ना, ये प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है। सो हियर वी आर। गाड़ियां तो यहाँ पर आपको बहुत देखने को मिलेगी, लेकिन ये देखो, मतलब दिखने में ही अलग से पता लगती है साथ में कितनी गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन इसको देखने से एक जो फील आता है ना, बिल्कुल ही अलग। कोई आवाज ही नहीं है, मतलब गाड़ी निकल जाए पता भी ना लगे आपको। तो अभी गाड़ी वहां लगा रहे हैं, यहाँ पर हम शूट नहीं कर पाएंगे ना, एरिया कम है। तो इसका लॉक भी देखो, बहुत स्टाइल से खुलता है भाई। So you see, when we got into the car, I didn't use a key. It was keyless entry because okay. It's on my mobile phone. Okay. And the moment I touched the brake, there is no switch, nothing. It knows that it is me. There are other people set here. These are other people's profile? Yes, other people's profile. Who drive this car? Yes, who drive this car. So let's say this is a normal key. Okay. You know, it doesn't have a key. So you have to tap it here if you don't want to use the phone. कहने का मतलब ये, सबके अपने अपने कार्ड बने हैं, जो टैप करेगा उसकी यहाँ पर प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, इसका मतलब वो बंदा ये गाड़ी चला रहा है। सबसे बड़े मेरे को सर इसकी डिस्प्ले लगी, इतनी बढ़िया दी हुई है। The display. This is the Google map. You can use navigation, whatever. So this is always on. Or I can have the camera app. So it is showing पीछे का left right. So this is Spotify. So I can play, my Spotify account is connected. So you can click this, and then the entire climate control system comes in. So in this you can't change the vent with your hand. Okay. But what you can do is you have to select it like this. Oh my God. ये तो बहुत बढ़िया है. Okay, you have to do like this. Now आपको हवा आया? हाँ मेरे को आया. You know, अगर आपको ज़्यादा आ रहा है, if you want it to be split. You can split it with two, like in window. आधा इधर निकल जाएगा, आधा उधर निकल जाएगा. How you do spin? You know, you can do this. You can do up, down, whatever. Means this is like a game.
You are playing a game. Yeah, or like an iPad, you know. Like, or like iPad. It is a touch thing. Hmm. This is wireless charging. Okay, now it's not a case, but if you put your phone, it will charge here. Okay. You know, but everything is done properly. मतलब देखने में ऐसा लग रहा है लग्जरी कार नहीं है लेकिन फिर भी लग्जरी है. Everything is there. कोई स्विच कोई बटन कुछ भी नहीं है डैशबोर्ड पे ना सब function, कुछ फंक्शन है वैनिटी नहीं है. वैनिटी नहीं है. सबसे बढ़िया मेरे को सर इसकी लगी मून रूफ. तो ये बंद भी होती है ऐसी रहती है. दिस इज दिस. ओके. इसको कवर नहीं करता. कितना क्लियर है कितनी अच्छी लग रही है. 70% में 373 किलोमीटर. तो ये पूरी चार्ज है तो हम पोखरा आना जाना कर सकते हैं. कर सकते हैं आराम से कर सकते हैं. व्हेन यू आर चार्जिंग योर कार सो यू डोंट गेट बोर्ड सो यू कैन गो टू YouTube, Netflix, ऑल दिस एनीथिंग. और बिल्कुल भी आवाज नहीं है. एब्सोल्युटली मतलब हम कहीं से निकल जाए किसी को पता भी ना लगे कि हम वहां से निकले हैं. तो एक्चुअली देयर इज आर्टिफिशियल साउंड आउटसाइड टू फॉर द पेडेस्ट्रियंस टू नो. ओके. और टॉप स्पीड कितना होगा सर इसका. टॉप स्पीड तो अब आई थिंक अब आपने कितना आपने कितना चलाया. तो मैं नहीं बोल रहा. अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है. मतलब 100 तक तो है. 100 100 तो कुछ भी नहीं है सर. दिस इज आई मीन ऑफ रिकॉर्ड आई कैन शो यू व्हाट दिस कार डन 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 डन. और सर सबसे मेन चीज ये गाड़ी आपको कितने का पड़ा था. अराउंड $60,000. $60,000 मतलब अगर आप ये व्यू देखेंगे ना गाड़ी का तो कितना ही शानदार कितना ही बढ़िया लग रहा है. आगे कोई भी स्विच नहीं है सिर्फ एक स्क्रीन है और एक स्टीयरिंग है. अभी सर ड्राइव नहीं कर रहे गाड़ी अपने आप चल रहा है. इसी अगर सामने कोई गाड़ी आएगा अपने आप स्लो डाउन. आगे बाइक वाला आया देखिए गाड़ी अपने आप स्लो डाउन हो गया. मैं नहीं कर रहा हूँ. ब्रेक मारी. ये गाड़ी अपने आप टर्न कर रहा है मैं नहीं कर रहा हूँ. इट इज टर्निंग बाय इटसेल्फ. इट इज कीपिंग द गैप विद द ट्रक. तो हम ये कह सकते हैं अभी हम जिस गाड़ी में बैठे हैं ना यही आने वाला फ्यूचर है. आने वाले टाइम में सबके पास यही गाड़ी होगी. और एक चीज आपको और बताऊं टोटल 50 टेस्ला होंगी नेपाल में. और ये जिसमें हम बैठे हैं ना ये है मॉडल वाई. ये मुश्किल से 3 या 4 ही होंगी. इससे ऊपर तो नहीं होंगी. अभी ये रिसेंट ही आया लेटेस्ट ही आया और बहुत बढ़िया गाड़ी. इस पे तो दिल आ गया. मेरे को ये इंडिया में मिल जाए ना फिर मैं अपनी सारी गाड़ियां वाड़ियां छोड़ के ये वाली खरीदूंगा. तो हम पहुंच गए अपनी लोकेशन पर. मेरे को ये गाड़ी सच में बहुत बढ़िया लगी. और सबसे बढ़िया लगा इसका मून रूफ इतना लंबा. और एक चीज और दिखाऊं आपको. अगर आपको इसका डोर खोलना ना आपको कुछ नहीं करना ये स्विच प्रेस करना है. खुल गया. मतलब यहीं से आप डोर वोर भी खोल सकते हैं. आई कैन डू एवरीथिंग फ्रॉम हियर. ओके ओके. इफ आई डू दिस सो इट इज ओपन. बोनट ओपन हो गया. ओके सर नाइस मीटिंग यू. फिर मिलेंगे जब आऊंगा नेपाल. ऑफ कोर्स प्लीज मीट मी व्हेन यू आर हियर. पक्का. वी विल राइड टुगेदर. थैंक यू सो वी आर बैक टू अवर बोलेरो. इसका मजा अलग है उसका मजा अलग है. इसको कहीं भी पटरी पे चढ़ा दो. क्यों सर. वो आ गया स्टेन भाई. हेलो निपट गया तुम्हारा काम. बैठो फिर. भाई अभी का सीन क्या है ना अभी हम यहाँ से जाएंगे सौरभ सर के वहाँ पर. सौरभ सर जो यहाँ का पूरा होंडा देखते हैं ना पूरा नेपाल का वही है. पहले भी हम उनके वहाँ गए हुए हैं. वहाँ पर मैंने 2-3 रील भी बनाई थी. उनकी बहुत सारी बाइक्स हैं एंटिक बाइक्स खड़ी उनके पास. तो मैंने तो देखी हुई है. साहिबा भी बाइकर है तो वो कह रही मैंने भी देखनी है. तो जाएंगे वहाँ बाइक देखेंगे फिर वहाँ से निकल जाएंगे एयरपोर्ट के लिए. हाँ भाई रेडी. एग्जाम कैसा हुआ. कैसे हैं. ठीक है एकदम. सही है सही. अरे क्या 10 लो. आपको हमने वीडियो में डाल दिया. पिक्चर की बात कर रहे हैं. तो अभी हमने ना सारा सामान यहीं पे रख लिया क्योंकि डिक्की में रखेंगे गायब होने का डर है. अभी जब तक एयरपोर्ट नहीं जाते ना इस गाड़ी में सारा सामान पड़ा रहेगा. जगह कैसी लगी. मजा आया. यहाँ पर हम ये चलाते हैं. यहाँ से चला के ऐसे 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 इस पे मैंने रील बनाई थी. बहुत सही. क्या हो रही है. लड्डू फूट रहे हैं. पूरा घूम ली ना. सबसे मेन चीज पता कहाँ है. ये स्टेयर से ऊपर चढ़ जाओ. ये सारा पुराना शौक है जो तुमने शायद ही कभी देखा होगा. जब बच्चे लेट के ऐसे नहीं करते कि मम्मी दिला दो दिला. इसको ये वाली बाइक ले दी है छोटी वाली. तुमसे पूछा जाए सबसे बढ़िया बाइक जो तुम्हें हम एक दे दें. सपोज कि तुम्हें वो मिलने वाली कौन सी लोगी. हाँ मिल जाएगी. कौन सी वाली. पहले सोच लो अच्छे से सीधा. जिसके सामने इसको ना सारी अच्छी लग रही है. अच्छा यही वाली. अच्छा वो वाली. अच्छा वो वाली. कोई एक. कौन सी वाली. ये अभी ये थी. अभी ये. अभी मैं दोबारा बोलूंगा ना फिर से देख लो. फिर जाके बोलेगी वो. फिर वो. कौन सी वाली. फिर चेंज हो गई है. अब वो वाली कह रही है. वो एमवी अगस्ता बीच में खड़ी है ना 3 सिलेंडर वो वाली. ये देखो पुरानी हायाबूसा दिखाऊं. ऐसी आती थी पहले हायाबूसा. बीकिंग
मेहनत तो बहुत करी होगी इसको बनाने के लिए। हम भी करेंगे इतनी मेहनत कि कभी इन फ्यूचर, मतलब इतनी सारी बाइकें तो क्या ही बोलूं। वो कहते हैं ना कभी कभी दुकान पे सरस्वती बैठी होती है कि हाँ इतनी सारी बाइकें हमारे पास भी होंगी। We display it because we run a safety riding training center under Rainbow School. So, we want to promote it in schools for children. Now, how do we get the attention of children? We take these small CRF50s, not for them to ride. We let them ride, but we catch them and they just go. But they get that, you know, excited. Yeah, so it's very controlled. They just ride for a while in a straight line. मजा कितना मजा, थोड़ा मजा, ज्यादा मजा, बहुत ज्यादा मजा। सही था, मजा है ना। अगर तुम अगर तुम्हारा सुबह पेपर ना होता ना तो वो मजेदार चीज भी देखती। गाड़ी ऐसी थी ना कि उन्होंने सिर्फ अपना पंजा हल्का सा दबाया ऐसे कि उड़ जाएगी, इतनी पावर। ये जगह भी मैं इनको दिखाना चाहता था क्योंकि एक बाइकर की जो फीलिंग होती है ना, इतनी सारी बाइक देख के हो मतलब ऐसा होता है मन में लालच आता है भाई मेरे को ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। वो वैसे वाले वो एकदम कप कपीस नहीं आती बॉडी में, हाँ कि मजा सा आ गया। बाकी अभी हम जा रहे हैं एक्वा वायकर्मा जहाँ पर हम वो बर्गर वर्गर खाते हैं, अच्छी स्पेस है, वहाँ जाएंगे, वहाँ पे हमारा सारा सामान पड़ा, वो सामान उठाएंगे, उसके बाद निकल जाएंगे डायरेक्ट एयरपोर्ट के लिए फिट दिल्ली। वीआईपी मोमेंट, इतनी सारी गाड़ियाँ है ना। बादल कितने सही हो रहे हैं ना एकदम। बता भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि जैसे ही हम एयरपोर्ट से उतरे बारिश चालू हो गई। आज हम जा रहे हैं, आज तुम ही आ जाओ, लो आ जाओ आ जाओ। आज बिल्कुल ही बारिश नहीं हो रही, मौसम बना हुआ लेकिन बारिश की एक बूंद तक नहीं है। कैसे पहचाना? अंकल एक फ्रैक्चर हो गया था। अभी हम लंगड़ी टांग चलते हैं ना तो उससे सारे पहचान लेते हैं। पिछली दो बारी से अंदर बैठ रहे थे ना, आज बाहर बैठेंगे। अभी मैं आपको एक ऐसी लेडी से मिलवाने जा रहा हूँ जिन्होंने 7 हाईएस्ट पीक क्लाइम करे हैं जो कि नेपाल से ही हैं। और अच्छा लगता है ना कि जैसे वो भी एडवेंचर करते हैं, बाइक पे एडवेंचर करते हैं, वो बाय फुट एडवेंचर करते हैं, पैदल चढ़ चढ़ के कहाँ कहाँ चले जाते हैं। सो मीट पूर्णिमा श्रेष्ठा, हाय, हाउ आर यू? नेपाल बहुत बढ़िया, नेपाल तो हमेशा ही बेस्ट है, मतलब जब भी आता हूँ अच्छा ही लगता है। तो एक बार आप बताएंगे आपने कौन कौन से माउंटेन क्लाइम करे हैं? It's my first mountain 2017 start 8000 Manaslu, Mount Manaslu. Okay. And then Everest. Everest. 18 Amadablam and then Annapurna. Annapurna. Killer mountain. And then Dhaulagiri. और अभी मैंने सुना है आप K2 की तैयारी कर रहे हैं? Yeah. In Pakistan? Yeah, yes. तो इन्होंने जितने पीक बताए, मैंने अन्नपूर्णा सुना हुआ है, एवरेस्ट सुना हुआ है, कंचनजंगा सुना हुआ है, बाकी तो नहीं सुने क्योंकि हमारी लाइन नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है। मकालू, हाँ मकालू वो भी सुना हुआ है। मनासलू नहीं, वो नहीं सुना, हम उस लाइन में नहीं है ना, हमारा बाइकिंग है। तो आप बाइक के लिए रोड पूछोगे, ये रोड सुना है, ये रोड सुना है, आपने अपर मस्टैंग सुना है, लोअर मस्टैंग हमने बहुत सारा सुना हुआ है, तो अलग अलग लाइन होती है, लेकिन अच्छा लगता है कि हाँ भाई एक लेडी होके इतनी सारी पीक्स इन्होंने करी है। और आगे हम आपको ये बोलेंगे कि आगे भी आप ऐसे ही करते रहो। व्हाट डू यू फील व्हेन यू क्लाइम अ माउंटेन? सपोजिंग बाइकिंग इज अ पैशन, क्या माउंटेन आल्सो पैशन एंड डेंजरस एंड लाइफ डेथ लाइफ? डर तो लगता होगा कभी कभी। व्हाट इज द फीलिंग लाइक? टू मच डर, डर डर लगना भी चाहिए। मुझे एक बारी किसी समझदार इंसान ने कहा था कि कोई भी आप काम कर रहे हो ना, उस काम को करने का डर होना चाहिए। अगर डर होगा ना तभी वो काम परफेक्ट होगा, अगर बिना डर के कोई भी काम करोगे ना तो वो परफेक्ट नहीं होगा। और वो समझदार इंसान कौन है? आपके सामने बैठा है प्रभजोत। आई थिंक फोर्थ गेयर डाल दिया सीधा। होता होता है जब डिफेंडर वाले बुलेरो चलाते हैं, ऐसा ही होता है। चलो बाय बाय, फिर मिलते हैं। तुम्हें भी ऐसा सूट के दिलवा दूं, बैठ के जाओगी? तो आई थिंक अभी हमारे वाला प्लेन नहीं आया और हमारी फ्लाइट जो है ना डिले हो गई है 20 मिनट्स। 5 बजे की फ्लाइट थी, अभी 5:20 पे उड़ेगी। अभी जस्ट मैसेज आया, बैठ जाओ भाई आराम से। बाहर का व्यू देखो यहाँ से कितना बढ़िया आ रहा है।
ये वही एयरपोर्ट है, अगर आपको याद होगा यहाँ से मैं व्हील चेयर पर गया था, मतलब प्रॉपर मेरे को प्लेन तक लेके गए थे। अभी मैं अपने पैरों पर चल रहा हूँ, तो चल के जा रहा हूँ। सिर्फ यहाँ पर एक इंडिया की फ़्लाइट ऐसी है, फ़्लाइट पर चढ़ने से पहले दोबारा सारे बैग चेक होते हैं। तो भाई इस बार इस लड़की ने चला के दिखा दी, जिसको पता था विंडो सीट है, भाग के आ गई और बैठ गई फटाफट से। कोई बात नहीं, अभी मेरे को बाहर नहीं देखना, मैं यहाँ पर मूवी देखूंगा अपनी कोई फेवरेट ना। फर्श पर लगी मार्गदर्शी पत्तियाँ आपात स्थिति में आपको नजदीकी विकास की दिशा दिखाएंगे। आपका नजदीक उड़ने की तैयारी, और अभी तुम्हें मजा आएगा देखना। मजा आ रहा अब समझ आया क्या हुआ है? एक्चुअली ये कोई इंग्लिश मूवी देख रही है और मैं हिंदी देख रहा हूँ, मैंने ना दोनों की ये इंटरचेंज कर दी तो मैं मेरी मूवी की बात आ रही होगी, मुझे तुम्हारी तुम्हें लग रहा होगा ना ये हिंदी की बात कहाँ से आ रही होगी। इसमें भी मुझे लैंग्वेज तुम्हें क्या लगा तुम्हारी मूवी की लैंग्वेज चेंज हो गई है? My friend, welcome to India. अभी यही स्टॉप करते हैं, उसके बाद चला जाओ। ये देखो भाई अपने को क्या दिखा, जी वैगन। भैया आपको पता हम यही वाली गाड़ी लेने का सोच रहे हैं कि ये वाली गाड़ी हमें लेनी है। अच्छा। इसलिए जो सी गाड़ी लेने का सोचते हो रोड पे दिख जाती है, वो खुशी नहीं होती नहीं। वो वैसी वाली खुशी। ऐसा अक्सर होता है जो चीज़ हम लेने वाले होते हैं ना, या जो चीज़ दिमाग में आपके रेगुलर चल रही होती है, वो आपको रोड पे चलते हुए दिखती रहती है बीच बीच में। भगवान आपको याद दिलाते रहते हैं तेरा फोकस इस पर होना चाहिए, तेरे को लेनी है। बाकी ठीक है यार, आज का दिन बहुत लंबा रहा, सुबह से हमने बहुत कुछ किया, बहुत चल लिया, अभी तो ऐसा हो रहा है बस बेड मिल जाए और सो जाए। इस वीडियो को भी ना यहीं पर एंड करते हैं भैया के साथ। भैया वीडियो एंड करवा दोगे मेरी? कह रहे हाँ करवा दूंगा। तो यहाँ तक वीडियो देख ले, लाइक करे मैंने बिल्कुल मत जाना, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। मिलता है किसी बड़े से वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। बाय 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 बाय, सिर्फ बाय बाय करना है आपको, ऐसे कर दो बाय बाय। चलो भाई बाय बाय, सो गई क्या? चलो बाय बाय। तो देखो भाई गुड़गांव में भी तगड़ी बारिश हुई थी, बाढ़ आई हुई है, बाढ़। लो भाई होम स्वीट होम, जो मर्जी बोलो जितना मर्जी बाहर घूम के आ जाओ, लेकिन अपना घर अपना ही होता है। चलो बाय बाय गुड नाइट। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ, अब शोहरत पाली मैंने दौलत पाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।